सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। प्रसिद्ध वैष्णवी रूपे नारायणी नमस्तुते।
गृहस्वाग्र महाचक्र दृष्ट्वा धृतवसुन्धरे वराहरूपिणि शिव नारायणे नमस्ते नृसिंहरूपेण अग्रेण हन्तं यत्राकृतोद्धमे त्रैलोक्यत्राण सहित नारायणे नमस्ते किरीटिणि महावज्र सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरिचेन्द्रे नारायणे नमस्ते शिवज्योतिस्वरूपेण हतदैत्य महाबले गौररूपे महारावे नारायणे नमस्ते दृष्टागरालवदने शिरोमालाभिभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणे नमस्ते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ध श्रद्धे पुष्टे सुरेध्रुवे महारात्रे महाविद्ध नारायणे नमस्ते मेधे सरस्वती परे भूति प्रवितामसि नियते त्वं प्रसीदेश नारायणे नमस्ते सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्रायिणो देवी दुर्गे देवी नमस्ते एतत्ते पठनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायने नमस्ते ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतरभद्रकाले नमस्ते इन्द्रश्री दैत्यतेजांसी स्वनेनापूरया जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो न सुदानिव असुराधिग्रसापङ्कचर्चितस्यैकरोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतो चण्डकेतां नताभयम् रोगान् शेषान् अपहर्षितुष्टान् रुष्टात्तु कामान् सकलान्नभीष्टान् त्वामाश्रितानाम् अभिपन्नराणाम् त्वमाश्रितायाश्रयताम् प्रयान्ति एताकृतम् जाकदनाम् त्वयाध्वम् धर्माद्विषाम् देभिमासुराणाम् रूपैरनैकैर्बहुधा त्वमूर्तिम् कृत्वाम्बिकेता प्रकरोति तान्याम् विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वादेषु वाक्येषु चका त्वदन्यम् मम त्वगरतेति महान्धकारे बिभ्रामयते तदते भविष्यम् रक्षासि यत्र द्रविशाश्च नाग यत्रारयोदश्रुबलानि यत्र लवानलोयत्र तथाभिमध्ये तत्र स्थिता त्वम् परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरि त्वम् परिपासि विश्वम् विश्वात्मिकाधारयसीति विश्वम् विश्वेश्वभन्द्या भवते भवन्ति विश्वाश्रयाजे त्वयि भक्ति नम्रा देवी प्रसीद परिपालयनोर्वीते नित्यम् यथा सुरभदा तदुनैव सद्यः पापानि सर्वजगताम् प्रशमम् रयाशु उत्पातपाकजनिताश्च महोपसर्गान् प्रणतानाम् प्रसीदत्वम् देवी विश्वातिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामिलोकानाम् वरदा भव देव्यो वाच वरदाहम् सुरगणा वरम् जनमनशेषत त्वम् ऋणत्वम् प्रयच्छामि जगतामुपकारकम् देवा ऊचुः सर्वा बाधा प्रशमनम् त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्भैरिविनाशनम् देव्यो वाच देवस्वतन्त्रे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भनिशुम्भश्चैवान्य उत्पत्स्येते महासुरम् नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनि पुनरप्यतिरोद्रेण रूपेण पृथ्वीतले अवतीर्य हनिष्यामि विप्रसिद्धान् सुदानवान् वर्षयन्ता शतानुग्रान् विप्रसिद्धान् महासुरान्
रक्ता दंता पलिष्यन्ते दाढ़िमी कुसुमोपमा ततो मां देवतः स्वर्गे नृत्यलोके च मानवा सुभन्तो व्याहरिष्यन्ते सततं रक्तदन्तिकां भूयश्च शतभाषिक्या मनाभृष्टा मनाम्भसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्प्रविष्यामि ज्योनिजा ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजः शता चेमितिमा ततः ततोऽहमखिलं लोकम् आत्मदेह समुद्भवे भरिष्यामि सुराशाके आपृष्टे प्राणधारिणे शाकम्भरीतिविख्यातं तदा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम् दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यथा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षन्ति वचिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे शोषन्त्य नम्रमूर्तयः भीमा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति जदारुणाख्य त्रैलोके महाबाधां करिष्यति तदाहं ब्राह्मणं रूपं कृत्वा सञ्जय जगत्पदं त्रैलोकस्य सार्थाय वदिष्यामि महासुरं ब्राह्मरीति च मा लोका सदा स्तोषन्ति सर्वदा इत्थं यदा यदा बाधा दानभूता भविष्यति तदा तदा वतीर्याहं करिष्याम्यरि सञ्चयम् ॐ सायंकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर माँ भगवती की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती स्तुति करते हैं आरती के इस पवित्र वेला में जो ये भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती है आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें आपके मनोकामना को आपके मनोरथ को पूर्ण करें जय आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्यकरण माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होता है विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपके सुख समृद्धि के लिए आपका बुद्धि के लिए आपके उन्नति के लिए आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले ही धन धन की वृद्धि करने वाले ही जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है धन लाभ होते ही उनका यश उनका मान उनकी कीर्ति बढ़ती है वह आरोग्यता को प्राप्त होते ही दीर्घायु को प्राप्त होते हैं उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजन ने माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें आप सबका मंगल करें ध्यान
इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रम पश्यतामेव देवानां तत्र वाञ्छाधीयत देवि देवानिरातङ्का स्वाधिकाराञ्जसा पुरा यज्ञभागभुजा सर्वे चक्रविनिहतारयः दैत्या च देव्या निहत शुम्भे देवरिपोजुधि जगद्विध्वंसने तस्मै महागृहतुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषः पातालमाययुः एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूपा जगतः परिपालनम् तैतन्मोयते विश्वं सेव विश्वं प्रसूयते साधाचिता च विज्ञानं तुष्टा हृद्यं प्रयच्छति व्यासान्तये तत्सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सेवकाले महामारी सेवशिष्टिर्भवत्यया स्थितिं करोति भूतानां सेवकाले सनातनी भवकाले निरां सेवा लक्ष्मी वृद्धि प्रदागृहे सेवाभावे तथा लक्ष्मी विनाशायोपजायते सदा सम्पूजिता पुष्प धूपगन्धादिभिः सदा ददाति वित्तं पुत्रा च मतिं धर्मेण गतिं शुभाम् अत्सिद्धकुञ्जिकास्तोत्रे शिव उवाच शृणु देवी प्रदक्षामि कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेण चण्डी जापः शुभो भवेत् नागवचं नार्गला स्तोत्रं तीलकं न रहस्यकं न सुप्तं नापि धानं च नान्यासो न च भाषणं कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत् अतिगुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभं गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयो नीरिव पार्वती मारणं मोहनं वश्यं संवनोत्ताटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्ध कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल हंसं लंसं फट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मधुमर्धिनी नमः केतवहारिणे नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुम्भहन्त्रे च निशुम्भासुरघातिनी जागृतमहे महादेवी जपं सिद्धिं कुरुष्वे हृङ्कारी सृष्टिरूपाय हृङ्कारी प्रतिपालिका हृङ्कारी कामरूपिणे बीजरूपे नमास्तुते चामुण्डा चन्द्रघाते च एकारी भरदायिनी भित्ते च भरदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणी दान्धीं धूं धुर्जरे पद्मी वां भीं भूं भागधीश्वरी क्रान्द्रीं क्रूं कालिका देवी शांशीं शुं मे शुभं कुरु हुं हुं हुंकाररूपिण्यै जं 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 वनादिनी भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवाने ते नमो नमः अङ्कं चं तं तं पं यं छं भीं दुं ऐं भीं हं छं द्विजाग्लं द्विजाग्लं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पापी भो पार्वती पूर्णा काङ्के गोखे चरितता सांसी सो सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्वे इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रं मन्त्रजागर्ति हेतवे अवत्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती जयसु कुञ्जिकया देवी एनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिरन्येरोदनं अथ दुर्गाभद्रष्टके नमस्ते शरण्ये शिवेशानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिते विश्वरूपे नमस्ते जगद्वन्द्रतारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणीत्राहि दुर्गे नमस्ते जगच्चन्द्रमानस्वरूपे नमस्ते महायोगिविज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे
नमस्ते जगत तारिणी त्राहि दुर्गे अनाथस्य दीनस्य दृशनातुरस्य भयातस्य भीतस्य बद्धस्य यन्तो त्वमेकाग्रदेवि निस्तारकर्त्री नमस्ते जगत तारिणी त्राहि दुर्गे अरण्ये रणे दारुणे शत्रुमध्ये जले संकटे राजगृहे प्रभाते स्वमेकागतिर्देवि निस्तार हेतु नमस्ते जगत तारिणी त्राहि दुर्गे अपारे महादुस्तरे तंत घोरे विपत्सागरे वज्रतम देहभाजम् त्वमेकागतिर्देवि निस्तार नौकाम् नमस्ते जगत तारिणी त्राहि दुर्गे नमश्चण्डके चण्डदोधण्डलीला समुत्खण्डिता खण्डलाशेषशत्रो त्वमेकागतिर्भिघ्नसन्दोहहर्त्रे नमस्ते जगत तारिणी त्राहि दुर्गे त्वमेका सदाराधिता सत्यवादी जनेकाखिला क्रोधना क्रोधनिष्ठा ऋणा पिङ्गला त्वं सुषुमना च नाडी नमस्ते जगत् तारिणी त्राहि दुर्गे नमो देवि दुर्गे शिवे भीमनादे सदा सर्वसिद्धे प्रदात्रे स्वरूपे विभूते सदा कालरात्रे स्वरूपे नमस्ते जगत् तारिणी त्राहि दुर्गे शरणमधीसुराणां सिद्धविद्याधराणां मुनिधनुजभराणां व्याधिभिः पीडितानां नृपते गृहगतानां दस्युविश्रासितानां त्वमधीशरणमेक श्री भगवते सत्र जय भगवते जया मा चित्त धायने ते भी
सर्वं क्षम्यताम्
ध्यानास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवि स्वप्रसादात् सुरेश्वरि सच्या जत बलि महारातेरी सदा ही जय शब्द मनोर्थ पूर्ण करण बलि माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाले माता तेरी सदा ही जय बोल सच्चे धरार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आपसे भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। भक्तजन साधक जन, इस माँ जगजन ने जगत माता की कृपा प्राप्त करने के लिए, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माँ के दरबार में आकर के भक्ति भाव से करवत माँ से प्रार्थना करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। वास्तव में जिन भक्तों पर इस माँ जगजन ने जगत माता की कृपा हो जाती है, जिन भक्तों को इन तीनों देवियों का, माता महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी, माता महासरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो जाते हैं, उनके जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन व साधक जन जो भी मन में संकल्प करते हैं माँ के आशीर्वाद से, माँ की कृपा से, वह सभी संकल्प पूर्ण होते हैं। जो भी मन में चिंतन करते हैं उनकी वह समस्त मनोवलक्षित कामना जो है वह पूर्ण होती है और संसार में उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती है और भक्तजन जो है वह सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से माँ को प्रसन्न करने के लिए, माँ को रिझाने के लिए, इस जगजन जगत माता की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए भक्तजन माँ के दरबार में आकर के माँ से करवत यही प्रार्थना करते कि माँ प्रसन्न हुई और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। हे माँ, आपकी पूजा में, आपकी आराधना में, आपकी अर्चना में किसी प्रकार से भी हमसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, किसी प्रकार से कोई जीवन में जानने अनजानने में हमसे कोई अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, तो माँ भगवती हम भक्तों का क्षमा करना और हम भक्तों का मार्गदर्शन करना, हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान देना, सर्वदा हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, अपने चरणों की अचल भक्ति प्रदान करना और इसी तरह से अपने चरणों से हमें लगाए रखना, जो रखना, क्योंकि माँ की कृपा होती है तो माँ जो है चरणों की अचल प्रदान कर देती है, ऐसे जोड़ती है माँ अपने चरणों से, धीरे से लगा लेती है इस प्रकार से कि उसके बिना साधक रह पाता, उसके वियोग में वह रह पाता, ऐसी प्रीति जो है वो हो जाती है। तो वास्तव में जो भक्ति करते हैं अपने प्रेम करते हैं तो जो है फलीभूत होती है। बोलो सच्चे द्रवादी भक्ति मुख्य रूप से बतलाई गई भक्ति बहुत से
जो है इसलिए आप वहां जाकर के जो है उन्हें दीक्षा दें। तब जो है भगवान सूर्य ने कहा, महाराज देवश्री नारद जी आप उसे दीक्षा दीजिए। उन्होंने कहा, मेरा आप ऐसा मजाक मत कीजिए, मैं आपके पास आया हूं और आप जाकर तीर्थ को पवित्र बनाइए, उस बालक को दीक्षा दीजिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। तब भगवान सूर्य ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। देव ऋषि जी चले आए। कालांतर समय पुराण जो है कहते हैं कि पूर्व दिशा की ओर से, पूर्व दिशा की ओर से जो है एक संत जो है अद्भुत रूप है, उसके मुखमंडल का इतना तेज है, सामने से आ रहा था और वहां पर सभा लगी हुई थी। उस सभा में जो है वो संत महाराज जी ने प्रवेश किया और फिर जो है वहां पर सभी ब्रह्म भेदता जो प्रश्न कर रहे थे, बालक उत्तर दे रहा था, तो वहां पर जाकर के उस संत महाराज ने भी उनसे आज्ञा मांगी, यदि आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं भी कोई प्रश्न पूछना चाहता हूं, मुझे उन प्रश्नों का उत्तर चाहिए, यदि आपकी आज्ञा हो। तो उन्होंने कहा, ठीक है महाराज, आप जो है प्रश्न जो है कीजिए। तब जो है उन्होंने कहा कि एक जो है प्राकृत भोजन होता है, प्राकृत भोजन होते हैं, दूसरा होता है परम भोजन। परम भोजन जो है आप सब जो है मुझे परम भोजन कराएंगे, ऐसा प्रश्न जो था उन्होंने किया कि आप मुझे परम भोजन जो है प्राप्त करेंगे। अब जो है वहां पर चर्चा हुई, तर्क हुआ और उसके बाद जो है उस बालक ने जो है उनके इस प्रश्न का जो है इस प्रश्न का उत्तर दिया कि आप मुझे जो है इस प्रकार से आप परम भोजन जो है आप मुझे प्रदान करेंगे। तो इसका प्रश्न का उत्तर देते उस बालक कमट बालक ने जो है उत्तर देते हुए कहा कि हे ज्ञानी, हे श्रेष्ठ संत महाराज जी, प्रकृति आदि जी 24 तत्वों से जो है हमारा शरीर का निर्माण हुआ है, तो प्रकृति आदि जो 24 तत्वों से जो है बड़े शरीर को जो है जो तृप्त करते हैं वही प्राकृत भोजन है। जो प्राकृत भोजन है जो शरीर को तृप्त करता है, जो प्राकृत भोजन है और नाना प्रकार के धर्म का श्रवण अन्न है, दोनों कान जो है उस अन्न को जो है ग्रहण करने, मनुष्य की जीवन में उसके समस्त कार्य सिद्ध होते ही कभी जीवन को विघ्न बाधा नहीं आती और संसार में उसका यश, उसकी कीर्ति, उसका मान सम्मान जो है उसमें कभी काला धब्बा नहीं लगता, उनकी कीर्ति अटल बनी रहती है। कहते कि देवऋषि नारद जी इन्होंने ब्रह्मा का देश है गंगा सागर संगम पर जो है एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था, यज्ञ किया एवं वहां पर ब्रह्म वेत्ताओं का जो है उनको बसाया। ब्रह्म वेत्ता जो है वह जब उनका वहां निवास हुआ, उन ब्रह्म वेत्ताओं में जो वहां पर जो है प्रहद्यन जो है गंगा तट के किनारे संगम पर जो है वह सभी भगवान की आराधना अर्चना मां गंगा की पूजा आराधना अर्चना किया करते थे और उनमें हारित मुनि जो है वह प्रतिदिन वहां पर भगवान सूर्य नारायण की पूजा किया करते थे और भगवान सूर्य से प्रार्थना किया करते थे। प्रार्थना में अद्भुत शक्ति होती है। प्रतिदिन जो जब हम प्रार्थना करते हैं तो कभी ना कभी देव कृपा होती है, प्रार्थना स्वीकार होती है। तो वह मुनि प्रतिदिन जो है भगवान सूर्य की उपासना किया करते वहां संगम पर जो है और जो है भगवान सूर्य से वह प्रार्थना किया करते थे कि समस्त मानव समुदाय का आप कल्याण करें, जो सबके कल्याण की सोचता है उसका कल्याण अपने आप हो जाता है। हम पूरे विश्व की कल्याण कामना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः,
इस विश्व में, इस संसार में सभी सुखी रहें, तो सब में हमारा भी कल्याण होता है। तो इस प्रकार से वह मुनि जो है प्रार्थना करते हैं कि समस्त मानव समुदाय का कल्याण करना प्रभु, जी उनकी प्रार्थना थी। एक दिन जो कहते हैं हरि मुनि ने उदय चल में जो है सूर्य उदय हो रहा था और साक्षात कहते जब पूजा कर रहे थे उनको साक्षात भगवान सूरज के ही दर्शन हुए। भगवान सूरज ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और सूर्य देव ने जो है मुनि को सूर्य से जो है परिपूर्ण पुत्र प्रदान किया, अर्थात संतान का वरदान दिया। भगवान की आराधना से जब जो है उनके आशीर्वाद से घर में से संतान आती है, वो माता पिता का भी कल्याण करती है, माता पिता का नाम रोशन करती है, समाज का भी कल्याण करती है। और उस मुनि को इस प्रकार से भगवान सूर्य से ऐसा आशीर्वाद मिला, वरदान मिला और उनके घर जो है पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने कमठ रखा। कमठ नाम का जो है वह मुनि पुत्र जो था, कहते हैं कि बाल्यकाल से बड़ा ही कुशाग्र बुद्धि था, पर मेधावी, इतनी बुद्धि, प्रखर बुद्धि थी, बड़े अल्प काल में ही उसने समस्त शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। अद्भुत बालक था, कहते हैं कि 8 वर्ष की आयु थी। तो ब्रह्मा वहां पर ब्रह्म भेता जो है आप जानते हैं कि गंगा सागर, बाल संगम में कितने ऋषि मुनि संत महात्मा वहां तप करते, साधना करते हैं, बड़े बड़े विद्वान जो है ऐसे संत महात्मा, जहां पर कहते हैं कि देवर्षि नारद भी वहां पर आया करते थे, वहां पर सत्संग होता था, ऋषि मुनि प्रश्न करते थे, वह नन्ना मुन्ना बालक 8 वर्ष के जिसकी आयु है उनके प्रश्न के उत्तर देता था। ऐसा कमठ नाम का वह बालक जो है इतना कुशाग्र बुद्धि हुआ तो उसे देवर्षि नारद जी वहां पर आया करते थे। एक बार देवर्षि नारद ने वहां पर सभा लगी थी, सब ऋषि मुनि संत महात्मा जो है ब्रह्म वेत्ता सभी जो है वहां विराजमान थे, वहां पर भगवत चर्चा हो रही थी, उसमें अनेक प्रश्न किए जा रहे थे और वह बालक जो है उन प्रश्नों का उत्तर दे रहा था। ये सब देख करके देवर्षि नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, आश्चर्यचकित हुए, और देवर्षि नारद जी सब त्रिकालज्ञ हैं, सब जानते हैं, भगवान सूर्य ने जो है अपने अंश से जो पुत्र जो है पुत्र का वरदान जो दिया था मुनि को, वह पुत्र इतने कुशाग्र बुद्धि है, स्वस्थ शास्त्र का वेता है, तो ये देख करके जो है कहते हैं कि देवर्षि नारद जी तुरंत उसी क्षण जो है सूर्य लोक में जा पहुंचे। सूर्य लोक में जाकर के जो है कहते हैं कि वहां पर जो है भगवान सूर्य को उन्होंने प्रणाम किया और उनसे उन्होंने कहा कि आपकी असीम कृपा से, आपकी असीम कृपा से जो है सूर्यास्त प्राप्त कर एक तत्वदर्शी बालक ने जो है महीसागर जो पृथ्वी पर जो संगम पर जो है वह उसने उसको संगम को पावन परम पवित्र बना दिया है। प्रतिदिन ऐसा सत्संग होता है वहां पर जो है, और वह बालक जो है जन्म मृत्यु भेद भेदांग ग्रह नक्षत्र ज्योतिष आदि सभी विद्याओं में जो है वह प्रवीण हो चुका है, निपुण है, और उसे जो है इस प्रकार से आप वहां जाकर के दीक्षा दे करके गंगा सागर संगम को पावन कीजिए, पवित्र कीजिए, उसे दीक्षा दीजिए। कहते कि बिना दीक्षा के जो है जो मनुष्य जीवन सार्थक नहीं होता। नारद जी कहते हैं कि आप उन्हें दीक्षा दीजिए, इस समय उसके समान कोई आचार्य उस पृथ्वी पर नहीं है, मृत्यु लोक में उसके समान कोई आचार्य नहीं है, इतना ज्ञानवान जो है, इसलिए आप वहां जाकर के जो है उन्हें दीक्षा दें। तब जो है भगवान सूर्य ने कहा, महाराज देवर्षि नारद जी आप उसे दीक्षा दीजिए। उन्होंने कहा, मेरा आप ऐसा मजाक मत कीजिए, मैं आपके पास आया हूं और आप जाकर तीर्थ को पवित्र बनाइए, उस बालक को दीक्षा दीजिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। तब भगवान सूर्य ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। देव ऋषि जी चले आए। कालांतर समय पुराण जो है कहते हैं कि पूर्व दिशा की ओर से जो है
एक संत जो है अद्भुत रूप है, उसके मुखमंडल का इतना तेज है, सामने से आ रहा था और वहां पर सभा लगी हुई थी। उस सभा में जो है वो संत महाराज जी ने प्रवेश किया और फिर जो है वहां पर सभी ब्रह्म भेत्ता जो प्रश्न कर रहे थे, बालक उत्तर दे रहा था, तो वहां पर जाकर के वो संत महाराज ने भी उनसे आज्ञा मांगी, यदि आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं भी कोई प्रश्न पूछना चाहता हूं, मुझे उन प्रश्नों का उत्तर चाहिए, यदि आपकी आज्ञा हो। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज, आप जो है प्रश्न जो है कीजिए। तब जो है उन्होंने कहा कि एक जो है प्राकृत भोजन होता है, प्राकृत भोजन होते हैं, दूसरा होता है परम भोजन। परम भोजन जो है आप सब जो है मुझे परम भोजन कराएंगे, ऐसा प्रश्न जो था उन्होंने किया कि आप मुझे परम भोजन जो है प्राप्त करेंगे। अब जो है वहां पर चर्चा हुई, तर्क हुआ और उसके बाद जो है उस बालक ने जो है उनके इस प्रश्न का जो है इस प्रश्न का उत्तर दिया कि आप मुझे जो है इस प्रकार से आप परम भोजन जो है आप मुझे प्रदान करेंगे। तो इसका प्रश्न का उत्तर देते उस बालक कमट बालक ने जो है उत्तर देते हुए कहा कि हे ज्ञानी, हे श्रेष्ठ संत महाराज जी, प्रकृति आदि जी 24 तत्वों से, 24 तत्व जो है हमारा शरीर का निर्माण हुआ है, तो प्रकृति आदि जो 24 तत्वों से जो है बड़े शरीर को जो है जो तृप्त करते हैं वही प्राकृत भोजन है। जो प्राकृत भोजन है जो शरीर को तृप्त करता है, जो प्राकृत भोजन है, और नाना प्रकार के धर्म का श्रवण अन्न है, दोनों कान जो है उस अन्न को जो है ग्रहण करने वाले मुख है, और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ क्या है, जिस शरीर को जिसने धारण किया है वह आत्मा, वह क्षेत्रज्ञ आत्मा जो है उस अन्न का भोगता है, ऐसा आत्मा को जो है तृप्त करने वाला जो है भोजन परम आनंद देता है, और वही परम भोजन जो है यह कहलाता है, जी है परम भोजन। मैं केमर प्राय बतलाता हूं, हम प्रतिदिन शरीर को चलाने के लिए प्रातः उठते हैं और क्या करते हैं, बैटरी पीते हैं, स्नान किया, फिर जो नाश्ता करना शुरू कर लिया, परंतु कभी किसने जो सोचा नहीं कि आत्मा का भोजन क्या है। और कहते हैं कि सब कुछ है, भगवान की कृपा है, परंतु आत्म शांति नहीं है। आत्म शांति कैसे होगी, आपने कभी आत्मा को पूछा ही नहीं कि तुझे भी चाय पीनी है, कोई जलपान करना, नाश्ता करना, कभी नहीं पूछा किसने। आत्मा का भोजन क्या है, जे सत्संग, जे नाम जप, जे भगवान की जो साधना करते हैं, यही आत्मा का भोजन है, इसी से जब तृप्त होती है। बैकाउंट मालक जो है वो संत महाराज जी को ये प्रश्न का उत्तर देते कह रहे हैं, प्राकृत भोजन जो है जो शरीर को संतुष्ट करता है, जो चौबीस तत्वों के द्वारा जो निर्मित हुआ जो शरीर जो है जो इसको जो तृप्त करते हैं वह प्राकृत भोजन, और जो है जो जो सत्संग, जो भजन जो है, शास्त्र श्रवण जो करता है, जो वास्तव आत्मा का यही अन्न है। और कानों के द्वारा, कान इसके मुख है जिसके द्वारा श्रवण करता है, सुनता है, और आत्मा जो है क्या है, भोगता है, उसका मैं भोजन करता है, अर्थात उसी से वह तृप्त होते हैं, जो उसको तृप्त करते हैं वही परम आनंद देने वाला वह परम भोजन है। इसलिए आत्मा को तृप्त करने के लिए कहते हैं प्रातः काल सायंकाल दोनों समय नाम जप जो है ये अवश्य करना चाहिए, प्रातः काल सायंकाल, और जब देव कृपा से सौभाग्य प्राप्त होकर सत्संग में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो उससे भी ये आत्मा जो है ये तृप्त होती है। तो आत्मा का भोजन क्या है, जे भजन, भगवान के आराधना, सत्संग, कीर्तन, जे जो स्तुति पाठ आपने किए हैं, जिन मंत्रों का आपने पाठ किए हैं, और इस तरह से जप करना जो है, इसी से आत्मा जो तृप्त होती है, परम पद जो है इस प्रकार से जे इसका भोजन है। फिर उन्होंने एक प्रश्न किया कि परम पद जो है ये कैसे प्राप्त हो सकता है,
परम पद जो है प्राप्त कैसे हो सकते हैं, इसके लिए जिन्होंने एक श्लोक जो है एक प्रकार से बोला कि जेस तक तो ममता भावो लोभ कोपो निराकृत हो ते जानते परम स्थानम काम क्रोध विवर्जित है। तो उसके लिए वह कहते कि ममता लोभ क्रोध आदि का त्याग करने से प्राणी को परम पद की प्राप्ति होती है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनका त्याग करने से जो जी कहा है कि जिस तक तो ममता मोह परिवार के प्रति जो मोह है, धन के प्रति मोह है, घर गृहस्थ के प्रति मोह है, अन्य जो मोह जो है ममता जो है, तो ममता जिस तक तो ममता भावो लोभ कोप हो, लोभ जो है कभी किसी का लोभ न करें और जो है कोप हो क्रोध का भी त्याग करें। क्रोध भी जो है जे अनिष्ट को देने वाले है, कई प्रकार विपत्तियों में जो डालने वाला है। एक क्षण के लिए क्रोध आते हैं, आप जो है क्रोध में आकर के कुछ भी कर जाते हैं और बाद में पश्चाताप होते हैं कि आपने लिए मुसीबत बना ली। ऐसा नहीं बोलता तो ये परेशानी पैदा नहीं होती। तो इनका त्याग करना जो है, त्याग करने से परम पद की प्राप्ति होती। बोला सच्चे द्रवार की जय। तो इस प्रकार से मेरा कहने का अभिप्राय ये था कि जीवन में जो है जो व्यक्ति अपना जीवन यात्रा अपने जीवन सफल चाहता है उन्हें प्रजन पूजा इस प्रकार देवी देवता की आराधना मंत्र पाठ जो है जप पाठ जो है जो सत्कर्म पुण्य कर्म तीर्थाटन जो है जो स्नान दान जो है जो सब करते रहना चाहिए। इससे पुण्य की वृद्धि होती है, पापों का नाश होते हैं और जीवन यात्रा में विघ्न बाधा नहीं आती। रोगों से व्यक्ति मुक्त रहता है, निरोगी जीवन जीता हुआ जिस सत्कर्म करता हुआ पुण्य कर्म करता हुआ उसका परलोक भी कल्याण में हो जाते हैं। जिस प्रकार से इस माँ भगवती के शरणागत होकर के भगवती की आराधना माँ की साधना करते हैं ये सब जो है देव कृपा से प्राप्त होते ही। माँ की आज आप पर कृपा हुई तो माँ ने आपको बुलाया, क्योंकि इसके बुलावे के बिना जहाँ पर आ नहीं सकता, इसकी कृपा के बिना जहाँ पर बैठ नहीं सकता। माँ जिनका कल्याण करना चाहती है, जिनका मंगल करना चाहती है, जिनके दुखों को दूर करना चाहती है, सुखों को देना चाहती है, उन्हें बुलावा भेजती है, अपने दरबारे बुलाती है, चरण बिठाती है, आशीर्वाद देती है, अपना दर्शन देती है इस पिंडी के रूम में और उनको कृप्त कर देती है। इसलिए जे परम पवित्र स्थली है जिस स्थान पर बैठे हुए हैं, इसी स्थान से होकर के माँ वैष्णो देवी ने इस गुफा के अंदर प्रवेश किया था। इस गुफा के अंदर माँ वैष्णो देवी दिव्य तीन पिंडी के विराजमान होकर के तप कर रही हैं, महाकाली महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती। ये तीनों शक्ति जो है एक साथ जहाँ विराजमान है और तीनों शक्तियों की कृपा प्राप्त करने के लिए, इन तीनों देवियों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्तजन माँ से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं कि भगवती हमें शक्ति प्रदान करें। तो माता महाकाली यह शरीर शक्ति देती है, शक्ति देती है, शत्रु का नाश करती है, रोगों से मुक्ति देती है। माँ लक्ष्मी वैष्णवी ये धन लक्ष्मी का वरदान देती है, धन शक्ति प्रदान करती है, और माता महासरस्वती ये विद्या बुद्धि का वरदान देती है, ज्ञान शक्ति का वरदान देती है। तो इसलिए शरीर शक्ति शरीर निरोगी हो, फिर धन शक्ति माँ लक्ष्मी की कृपा, फिर ज्ञान शक्ति माँ सरस्वती का आशीर्वाद। इन तीनों का जब आशीर्वाद प्राप्त होते हैं तो जीवन में किसी चीज की कमी रहती नहीं। और यही से लिए स्थान का विशेष महत्व है कि यहाँ पर आकर के भक्तों को इन तीनों शक्तियों का एक साथ आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, जिस आशीर्वाद से जो है वह भक्त जन जो है सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। माँ भगवती महाकाली महालक्ष्मी वैष्णव माता और सरस्वती ये तीनों माता प्रसन्नता पूर्वक भक्तों को वरदान दें, आपको आशीर्वाद दें, आपके मनोरथों को पूर्ण करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री सूर्य जी माँ के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्त संकीर्तन में सहयोग देना, सब मिलकर बोलना ताली बजाते श्री सूर्य जी। जयकार मेरी शिरोमणि मैया जी का, बोल सच्चे दरबार की जय। एक कोर कृपा की कर दो अम्बे माँ शिरोमणि, एक कोर कृपा की कर दो अम्बे माँ शिरोमणि, एक कोर कृपा
दो अम्बे मां शेरोवाली एक गौर कृपा के कर दो अम्बे मां शेरोवाली अम्बे मां शेरोवाली अम्बे मां शेरोवाली दुर्गे मां मेरोवाली दुर्गे मां मेरोवाली दासी की झोली भर दो अम्बे मां शेरोवाली दासी की भर दो अम्बे मां शेरोवाली एक गौर कृपा की कर दो अम्बे मां शेरोवाली एक गौर कृपा की कर दो अम्बे मां शेरोवाली अपने अपने हाथ ऊपर उठाकर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए हाथ सभी ऊपर माँ भगवती माँ भक्त ने हाजिर स्वीकार करे आपके झोलियाँ भरे आपकी मुरादें पूरी करे आपका जीवन खुशियों से भर देता है मैं तो मैया मैया सदा ही रटू मैं तो मैया मैया सदा ही रटू मैं तो मैया मैया सदा ही रटू कभी द्वार से मैया के ना हटू कभी द्वार से मैया के ना हटू हो कभी द्वार से मैया के ना हटू कभी द्वार से मैया के ना हटू ओ मेरे शीश मेरे शीश ओ मेरे शीश कमल पग धर दो अम्बे मां शेरोवाली शीश कमल पग धर दो अम्बे मां शेरोवाली एक गौर कृपा की कर दो अम्बे मां शेरोवाली 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 हो मेरी आस न टूटने पाए कभी मेरी आस न टूटने पाए कभी हो मेरी आस न टूटने पाए कभी मेरी आस इस तन से प्राण जाए तभी इस तन से प्राण जाए तभी हो इस तन से प्राण जाए तभी इस तन से प्राण जाए तभी हो मुझे निज दर्शन का वर दो अम्बे मां शेरोवाली मुझे निज दर्शन का वर दो अम्बे मां शेरोवाली एक गौर कृपा की कर दो अम्बे मां शेरोवाली एक गौर कृपा की कर दो अम्बे मां शेरोवाली एक गौर कृपा की कर दो अम्बे मां शेरोवाली एक गौर कृपा की कर दो अम्बे मां शेरोवाली मुझे प्रीति की रीति सिखा दीजिए 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 निज नाम का मंत्र बता 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 दीजिए मेरे मन की जय हो मेरे मन की जय हो मेरे मन की व्यथा सब हर लो अम्बे मां शेरोवाली मेरे मन की व्यथा सब हर लो अम्बे मां शेरोवाली एक गौर
कृपा की कर दो अम्बे माँ शिरोवाले, एक और कृपा की कर दो अम्बे माँ शिरोवाले, अम्बे माँ शिरोवाले, अम्बे माँ शिरोवाले, दुर्गे माँ मेरोवाले, दुर्गे माँ मेरोवाले, दादी की झोली भर दो अम्बे माँ शिरोवाले, दादी की और कृपा की कर दो अम्बे माँ शिरोवाली, एक और कृपा की कर दो अम्बे माँ शिरोवाली, अम्बे माँ शिरोवाली, अम्बे माँ शिरोवाली, दुर्गे माँ मेरोवाली, दुर्गे माँ मेरोवाली, दुर्गे माँ मेरोवाली, दुर्गे माँ मेरोवाली, कर मेरी शेरोवाली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय। तभी भजन प्रस्तुत करेंगे श्री जयपाल जी। जय करा शेरोवाली डल बोल सच्चे दरबार की जय। तेरा बिछोड़ा दाती है हुन मैथों सहा न जाए, तेरा बिछोड़ा दाती हुन मैथों सहा न जाए, आप बैठे भवन में मैनू राती नींद नावे, आप बैठे भवन में मैनू राती नींद नावे, तेरा बिछोड़ा दाती हुन मैथों सहा न जाए, तेरा बिछोड़ा दाती हुन मैथों सहा न जाए, बैठे भवन में मैनू राती नींद नावे, आप बैठे भवन में मैनू राती नींद नावे, मां तेरा बिछोड़ा दाती है मां, मैं उठ के मैं देखा वारियां, मैं देखा वारियां, मैं रो रो के मरो रो के अखां हारियां, मैं अखां हारियां, मरो रो के मरो रो के अखां हारियां, अखां हारियां, मैं बेबस ना हो गया तेरी याद दे विच मैं खो गया, मैं बेबस ना हो गया तेरी याद दे विच मैं खो गया, पर तू ना दर्श दिखाए, आप बैठे भवन में मैनू राती नींद नावे, आप बैठे भवन में मैनू राती नींद नावे, तेरा बिछोड़ा दातिए कहते तू के मेरी मां नहीं, के मेरी मां नहीं, ये कहते तू, ये कहते तू के मेरी मां नहीं, के मेरी मां नहीं, दुनिया दे अगे जोर नहीं मां तेरे सिवा कोई हो नहीं, दुनिया दे अगे जोर नहीं मां तेरे सिवा कोई हो नहीं, दस केड़ा लाड लड़ावे, बैठे भवन में मैनू राती नींद नावे, आप बैठे भवन में मैनू राती नींद नावे, तेरा बिछोड़ा दाती है मां, मपाइयां ने कई तन चिट्ठियां, कई तन चिट्ठियां, मपाइयां ने कई तन चिट्ठियां, मिठियां गल्लां विच मिठियां, गल्लां
ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਮਾਂ ਹੁਣ ਆ ਜਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਮਾਂ ਤੂੰ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਮਾਂ ਹੁਣ ਆ ਜਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਤਾਏ ਆਪ ਬੈਠੀ ਭਵਨ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਆਪ ਬੈਠੀ ਭਵਨ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਵਿਛੋੜਾ ਦਾਨੀਏ ਮਿਟ ਜਾਵੇ ਜਨਮ ਦੀ ਪਿਆਸ ਮਾਂ ਜਨਮ ਦੀ ਪਿਆਸ ਮਾਂ ਮਮਿਟ ਜਾਵੇ ਜਨਮ ਦੀ ਪਿਆਸ ਮਾਂ ਜਨਮ ਦੀ ਪਿਆਸ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤੂੰ ਰਖਵਾਲੀਏ ਤੂੰ ਵੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕਾਲੀਏ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਰਖਵਾਲੀਏ ਤੂੰ ਵੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕਾਲੀਏ ਤੇਰਾ ਵੇਦ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਏ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਆਪ ਬੈਠੀ ਭਵਨ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਵਿਛੋੜਾ ਦਾਦੀਏ ਹੁਣ ਮੈਥੋਂ ਸਹਾ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇਰਾ ਵਿਛੋੜਾ ਦਾਦੀਏ ਹੁਣ ਮੈਥੋਂ ਸਹਾ ਨਾ ਜਾਏ ਆਪ ਬੈਠੀ ਭਵਨ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਆਪ ਬੈਠੀ ਭਵਨ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾ ਵਾਲੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾ ਵਾਲੀ ਜੀ ਕਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਮਾਂ ਹੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਅਪਾਰ ਮੇਰੀ ਮਈਆ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਏ ਹੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਅਪਾਰ ਮੇਰੀ ਮਈਆ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਏ ਹੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਹਾਥ ਮਈਆ ਦਿਲ ਤੇ ਫਰਿਆਦ ਇਹ ਲਾਏ ਹੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਅਪਾਰ ਮੇਰੀ ਮਈਆ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਏ ਹੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਚਤੁਰ ਹੈ ਚੋਰ ਮਈਆ ਫਿਰ ਤਾਰੇ ਥੋਰੇ ਭੋਲੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨੋਂ ਦੇ ਜੋੜ ਮਈਆ
दिल से भरिया नहीं लाए माए अपने चरणों में जोर मैया दिल से भरिया नहीं लाए कर कृपाया भार मेरी मैया हम शरण बिहारी आए कर कृपाया भार मेरी मैया हम करते हैं अरदास मैया कुछ नहीं हमारे पास मैया हम करते हैं अरदास मैया कुछ नहीं पास मैया रख अपने चरणों का दास मैया हम बन के भिखारी आए हैं रख अपने चरणों का दास मैया हम बन के भिखारी आए हैं ओ कर कृपाया पार मेरे मैया हम शरण बिहारी आए हैं कर कृपाया पार मेरे मैया हम बच्चों का माथान धरो शरणागत का कल्याण करो हम बच्चों का माथान धरो शरणागत का कल्याण करो चरणों की धूली दान करो हम शरण तिहारी आए हैं चरणों की धूली दान करो हम शरण तिहारी आए हैं ओ कर कृपाया पार मेरी मैया हम शरण तिहारी आए हैं कर कृपाया उतित है मरुच राम रविचंद्र भंग नेत्रां गणो सरजत कुश पाशोला रम्येर भुज सदत शिव शक्ति रूपा कामेश्वरम हृदय भज मृतेंदुलेखा सच्चे ज्योता वाले माता तेरी सदा ही जय माँ भगवती की असीम अनुकंपा से आप भक्तजनों को सायंकाल की आरती में माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आप बड़े भाग्यशाली हैं पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की पवित्र वेला में माँ के चरण में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजंड जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है माँ भगवती की इसी तरह से आप भक्तों की कृपा बढ़ी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे इस पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद आयुष्मान भवे संतते भाने भवे श्रीमान ससुहे भवे प्रज्ञा भाने भवे भूर्भूत करणे दाने कनिष्ठ भवे तेजस्वी भवे भैरी दर्भदलने व्यापार दक्ष भवे श्री शंभर पाद पुजनृत सर्वोपकारी भवे मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्त मित्राणाम देस्त शरीर वर्चस आयुष्यम आरोग्यम आविदात शुभमानम हीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्र लाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः
माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धन्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक करवल सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे, सम्मिलित कर होना चाहिए। ओम जय अम्बे काली मैया, जय श्यामा मैया, जय Thank you.
पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। सच्चे धार की जय। तो बोलिए ओम या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमो नमः दुर्गा माता की जय। कृष्ण माता की जय। लक्ष्मी माता की जय। सरस्वती माता की जय। सच्चिदानंद की जय। परम पूज्य पुजारी जी माँ भगवती की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गए हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करके अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब जनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलो जय माता दी। मिल भलो जय माता दी। 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 तो सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़कर के माँ से प्रार्थना करेंगे। सम्मिलित करके बोलना सौभाग्यमारोग्यम देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवे शान्तिः कार्यक्रम देखे सुने और मन मन माँ भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते ही आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। गुरु जी को
Burgund
सच्चे हो सच्चे हो सच्चे